नमस्ते सस्त्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी राहुल गांधी अटैक क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्मी अग्निवीर। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या और कौन सा बयान है जिस पर रिजवान सर आज बात कर रहे हैं, आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो साथियों, कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये बंदा क्या आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर देश को गृह युद्ध में ढकेल रहा है या ये कोई गृह युद्ध में ढकेलने की टूलकिट साजिश कर रही है। ताज्जुब मुझे तब हुआ है, वो शॉक्ड, जब मुझे ये लगा इस बंदे की स्पीच सुनकर कि जाति के आधार पर ये बंदा सिर्फ देश को नहीं, समाज को नहीं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा पायस इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सेक्रेट इंस्टीट्यूशन जिसको हम समाज में रहते हुए भी समाज से अलग मानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारत की फौज, भारत की सेना की, ये जाति के आधार पर लगता है अब भारत की फौज में भी गृह युद्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसी पर है आज छोटा सा बहुत गंभीर वीडियो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। अगर अग्निवीर स्कीम्स की कुछ शॉर्टकमिंग्स एक बार पुनः आप लोगों को बताऊँगा जो पहले बताई थी, तो वो एक भारतीय की तरह बताऊँगा, एक उस इंसान की तरह बताऊँगा जो चाहता है कि देश का, फौज का और अग्निवीर का सबका एक साथ भला हो, विकास हो और भारत एक विश्व शक्ति बने जहाँ तक सैन्य शक्ति का मामला है। लेकिन ये जो बोल रहा है ये बंदा, और वीडियो का ऑपरेशनल पार्ट, मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आई रियली डोंट थिंक कि यदि राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो इतना ही खतरनाक होगा इस समाज, इस देश के लिए, जितना वो बतौर ऑपोजिशन लीडर इस टाइम खतरनाक बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए, एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है अग्निवीर, और उससे ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी, मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो या चार में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक एक शब्द इसका बड़ी गंभीरता से सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से सुनिए। अब ये बंदा फौज को अमीर और गरीब में बांट रहा है, अब ये बंदा फौज को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में बांट रहा है, इसकी हिम्मत अब यहाँ तक पहुँच गई है और सरकार कोई इसके खिलाफ एक्शन या इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। एंड में इसने बोला कि चार में से एक के अलावा जो तीन वापस आएंगे, आप समझ सकते हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब अगर चीज़ों को जोड़ के चला जाए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस हाई कास्ट के बंदे को
उस चार में से एक में सेलेक्ट करके परमानेंट अग्निवीर का उसको जिम्मेदारी मिलेगी 15 साल के लिए। या इसका यह मतलब है कि जो पैसे वाला होगा उस अग्निवीर में, जो पैसा देके सेलेक्ट किया जाएगा 15 साल की जॉब करने के लिए, जैसे पहले होती थी, पहले अग्निवीर को राइफलमैन की तरह बोला जाता था, अब अग्निवीर को बोला जाता है, प्रमोट होते होते आप मेजर सूबेदार तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, यहां तक तो हो गया। जब चार में से तीन कैडेट्स 4 साल बाद वापस आएंगे, फिलहाल गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, आर्मी कंसिडर कर रही है कि वो 4 में से 3 वापस नहीं आएंगे, 4 में से 2 वापस आएंगे, जो इसको नहीं पता है, पता भी होगा तो नहीं बोलेगा। 4 में से जो 2 वापस आएंगे, ये उनके दिमाग में ये जहर बो रहा है कि तुम इस मारे वापस किए गए हो क्योंकि या तो तुम माइनॉरिटी के हो, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, या तुम क्योंकि SC हो, या तुम ST हो, या तुम इस जाति के हो, या तुम गरीब हो, जो फौज में 15 साल के लिए रोक लिए गए, या तो वो ऊंची जाति के थे या वो पैसे वाली जाति के थे, या उनके पास पैसा था वहां पर रिश्वत देने के लिए, क्योंकि इसने कहा आपको तो पता है वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये जब 1 या 2 लोग वापस आएंगे 4 साल की वहां ट्रेनिंग कर, और इनके दिमाग में जब ये बात होगी कि हमें गरीब या इस जाति का होने के मारे फौज से निकाला गया है, आप सोच सकते हैं कि वो कितने घातक हथियार होंगे समाज के लिए, आप समझ सकते हैं वो कितने खतरनाक होंगे समाज के लिए, आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेंड 4 साल के फौजी कितने गलत हाथों में पड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई गलत हाथ में ना जोड़ो, कितने माफियाज के हाथ में पड़ सकते हैं, कितने उनके गनर बन सकते हैं, कितने क्राइम की तरफ जा सकते हैं। 4 एक गांव के अग्निवीर मिले जो चाव भगा के कुछ भैया ये करते हैं, माना सब ट्रेनिंग होगी, सब होगा, लेकिन जब इस तरह का जहर घोला जाएगा तो जो 4 में से 2 वापस आ रहे हैं, मैं 2 बोल के चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपडेटेड हूँ अग्निवीर की स्कीम्स को लेकर, कि ये 4 में से 2 होने वाला है, चलिए नहीं हुआ मान लिया, 4 में से 1 वहाँ रहा, 3 वापस आ गए, यानी हजारों वापस आ गए। उन हजारों में अगर कुछ सैकड़ा 100 भी इस देश के लिए खतरा बन गए, 100, 200, 300 गलत हाथों में पड़ गए, तो इस देश का क्या होगा। और जब ये फौज से निकाले जाएंगे वहां पर ये बोल के आएंगे कि हम इस मारे निकाले जा रहे हैं, भाई आपस में तो सब में संबंध बन ही जाएंगे ना, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, क्योंकि तुमने पैसा दे के तुम सेलेक्ट हुए हो। और ये लोग फिर वीडियोस वायरल करवाएंगे उन लोगों के जो निकाल दिए गए हैं, कि वहां पर 5-5, 10-10 लाख रुपए इसके लिए रिश्वत चली है फौज में, वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के तलबे चाटे, वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के व्यक्तिगत काम करे, मैडम को जाके घर में सलाम बजाया और उनकी सब्जी लेके आए। इन चीजों के सोसाइटी पर इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, मौके पर एकदम से नहीं पड़ता है। इस चीज को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा जो मैंने ओपनिंग बाइट में बोला था, आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वोंट बी दैट डेंजरस जितना यह बंदा विपक्ष में इस देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। अग्निवीर की स्कीम के लिए आप लोगों को एक बात से और अपडेट कराऊं, जब अग्निवीर की स्कीम लॉन्च हुई, जब ये 12th क्लास के बाद NDA में जाते हैं, बहुत से CDS के थ्रू जाते हैं, IMA के थ्रू जाते हैं, बहुत से NDA के थ्रू जाते हैं, और 12th पास, पहले तो और भी अर्ली जाते थे, 11th के बाद जाते थे, अब 12th हो गया। जब ये 12th के बाद जाते हैं और वहाँ पे 4 साल का कोर्स करते हैं, तो बहुत से आप लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, तो वहाँ पर इनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का बंदा जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर तक पहुंचा, ही इज ओनली 12th पास क्योंकि वो NDA के थ्रू आया है, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कपासला के थ्रू। नो, उनको इंटरनल वहां से डिग्री भी प्रोवाइड होती है कि अगर वो 5 साल बाद 10 साल बाद जॉब छोड़ के जाए तो दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट, दे आर नॉट जस्ट 12th पास। फौज ज्वाइन करने के बाद वहां पढ़ाया भी जाता है, ये नहीं कि आओ बंदूक उठाओ लड़ना शुरू कर दो।
आप में से बहुत से लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी कि अग्निवीर स्कीम में आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके ट्वेल्थ क्लास के सब्जेक्ट्स को देखते हुए बीएन बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। जब चार साल बाद अगर एक अग्निवीर आर्मी में कंटिन्यू करता है तब भी वो बीए या बीकॉम में ग्रेजुएट होगा, और अगर वो बाहर भी आ जाता है तब भी वो एक ग्रेजुएशन कर बाहर आएगा। 110 क्रेडिट पॉइंट्स हैं जिसमें 60 क्रेडिट पॉइंट एजुकेशन के एकेडमिक्स के हैं और 50 क्रेडिट पॉइंट उस आर्मी की ट्रेनिंग में, जो वहां से उसको नंबर मिलेंगे। तो चार साल की नौकरी जो करने जा रहे हैं, ये सिर्फ चार साल की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन भी करने जा रहे हैं। अब तो पहले से ग्रेजुएशन हो तो अलग बात है, वो भी केस समझा दूंगा आपको। तो जब तुम क्लास ट्वेल्थ के पास जा रहे हो और कहीं से इधर उधर से तुम ग्रेजुएशन करते, किसी छोटे कस्बे से जिले से करते, अब तुम्हारे पास ग्रेजुएशन फौज का होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस का होगा। तो जब तुम चार साल बाद आओगे, तुम फौज से, जैसे इस यूनिवर्सिटी से उस कॉलेज से करते ना, कॉलेजों का क्या हाल है पता है आपको, तुम फौज के ग्रेजुएट होगे और तुम्हारे पास कुछ लाख रुपए होंगे और चार साल का तुम्हारे पास अनुभव होगा। और फिर जब तुम उसके आगे फर्दर पढ़ाई करोगे या नौकरी कोई भी करोगे, तो सोचो तुम्हें दूसरे आदमी के कंपैरिजन में कितनी प्रायोरिटी मिलेगी। यस, इक्का दुक्का केसेस होंगे जहां पर हमारे अग्निवीर गलत आदत गलत हाथों में पड़ जाएंगे, लेकिन उस चीज को एक भारतीय होने के नाते अलग तरीके से भी बोला जा सकता है, फौज में दो टुकड़े करा के नहीं बोला जा सकता है। एंड यस, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जब तक आप चार साल की ट्रेनिंग कर रहे हो, जब तक ये सर्टेन नहीं है कि आप अंदर रहोगे या उन तीन या दो में होंगे जो बाहर जाएंगे, एग्रीड, आपको एब्सोल्युटली लाइन ऑफ फायर पर नहीं रखना चाहिए। लाइन ऑफ फायर मींस डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन विद एनिमी, बी इट एनी अदर आर्मी और बी इट टेररिस्ट, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं रखना चाहिए। जब ये साइकिल घूमेगी तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में वो लोग आएंगे जो एक या दो फौज में 15 साल की नौकरी कर रहे होंगे, जैसे आज हमारे सैनिक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं, लाइन ऑफ फायर में, लाइन ऑफ लाइफ में खड़े रहते हैं। एग्री? अब आप कहीं वहां चल रहे हैं और बैकअप में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी डेथ हो गई, तो वो तो यार यहां पर भी हो सकती है भाई, गाड़ी तो यहां पर भी आपकी टकरा सकती है। क्या जो फौज में जाते हैं उसके अलावा किसी जवान आदमी को मौत नहीं आती क्या? आई एग्री टू दिस कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बोलने का और समझाने का तरीका, तो जब एक बंदा अंदर जाएगा, ग्रेजुएशन करके वहां से बाहर निकलेगा, बीए बीकॉम करके बाहर निकलेगा, वो वहां से अनपढ़ बाहर नहीं निकलेगा, वो इसी समाज में रहते हुए चार काम करेगा और लोग उसको सलाम करेंगे और उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन ये इंतजार करेंगे उस इक्का दुक्का केस का, जहां अग्निवीर किसी गलत हाथों में पड़ जाए या चार अग्निवीर मिलकर कोई गलत काम कर दें, जिसको ये 2024 से 2029 के बीच में मुद्दा बनाएंगे, उनके पैसे दे दे के टूलकिट के जरिए वीडियो वायरल कराएंगे, फौज के अंदर की बातें बाहर लाके उनके थ्रू उगलवाएंगे। मैं मानता हूं ये होगा, कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ये नेचुरल कोर्स में होगा, कहीं ये नादानी में होगा, कहीं ये नाराजगी में भी होगा, क्योंकि वह आदमी बाहर निकल के आया होगा, और अधिकतर ये वहां होगा जहां ये टूलकिट के जरिए इस तरह के स्कैम्स अग्निवीर को कराएंगे। एक हम है यार, एक हम है मिशन भारत में, जहां पर किसी बच्चे का सरनेम लेना अलाउड नहीं है। ये जब अभी हमारे कम्युनिकेशन क्लास में इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बोल दी गई है कि सिर्फ कैडेट चांदनी, कैडेट रीतम, कैडेट आनंद, कैडेट आदित्य, आप सरनेम नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे सरनेम। उनको सिखाइए कि जब वो समाज में जाए तो वो कैडेट रीतम करके बात करें। और पिताजी के लिए भी ये बोला जा रहा है कि फादर का भी सरनेम आप ना सिखाइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन, एट लाइन इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, उसमें सब चीज आ रही है। एक हम है, हमारी फैकल्टी को ये बताना अलाउड नहीं है कि आप की कास्ट क्या है। जो अभी मुझसे किसी के कहने पर हमने अपनी पूरी फैकल्टी की फोटो डाली थी, सबके नीचे नाम देखिए हमने क्या लिखे हैं, प्रताप, अमित, सुधीर, अवधेश, रिजवान। अब रिजवान से तो पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं। मेरा फैकल्टी में नाम इसलिए क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन में आउटडोर बैठ के बच्चों से इंग्लिश में उनको सिखा रहा हूं ट्वाइस अ वीक। एक हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, एक घड़े से पानी पिला रहे हैं, एक टैप से पानी पिला रहे हैं,
सरनेम के लिए मना कर रहे हैं, भारत माता का सपूत बना रहे हैं इस क्लास में, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, और आगे जब वो अग्निवीर के लिए तैयार होंगे तो ये बंदा उनके दिल में क्या जहर घोल रहा है कि जब वो गांव वापस आएंगे तो कहेगा अच्छा बेटा मैं ओबीसी का था ना इसलिए वापस आ गया, मम्मी वो पंडित का बेटा था इस मारे वहां रुक गया, या उसके बाप के पास पैसा था उसने देखिए आखिर टाइम में एक जमीन बेची थी वही पैसा फौज को दिया गया है, यही सिखा रहा है ये खतरनाक आदमी, ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था राहुल गांधी का बयान और फौज को लेकर, फौज की क्रेडिबिलिटी को लेकर, और आर्मी में अग्निवीर जो कि अभी से पिछले साल से जो स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 4 साल के लिए जो के नए फौजी भर्ती किए जाएंगे वो 4 साल के लिए होंगे, उनके बाद में उनका मुस्तकबिल क्या होगा उसका फैसला या तो वो खुद करेगा और या फिर उनमें से कोई एक होगा जो आगे जाएगा, या जिस तरह कह रहे हैं रिश्वत देगा तो वो फिर आगे सेलेक्ट होगा 15 साल के लिए, तो आगे वो तरक्की कर सकता है। तो उनके लिए राहुल गांधी ने बोला है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो कि यहाँ माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गरीब लोग हैं, और या वो गरीब लोगों के लिए ये भी हक छीना गया है। जब ये अनाउंस किया गया था तब भी बहुत हंगामा हुए थे, कई जगहों पर ट्रेनों को आग लगा दी गई थी और बड़े हंगामे फूटे थे और बड़ी सारी वजाहतें आई थी इनमें, और बहुत सारे जो ताजर रहनुमा हैं भारत के वो सामने आए थे कि हम इनको अच्छी जॉब्स देंगे, क्योंकि जब ये वहाँ से निकलेंगे तैयार होकर तो ये भरपूर तरीके की इनकी ट्रेनिंग होगी, ये मैच्योर होंगे और इनके लिए हम आगे बढ़ाने के लिए हम इनके लिए साथ पूरा तआवुन करेंगे। तो ये मामला फिर बाद में सॉर्ट आउट हुआ और ये चीज़ें जो हंगामे थे वो रुक गए थे। अब उसी चीज़ को लेकर देखिए, जब इलेक्शन आता है तो हर एक पार्टी जो दूसरी पार्टी है अच्छे काम है उनको भी बुरा बनाने की कोशिश करती है, और जो बुरे काम होते हैं उन्हें और ज़्यादा उछालने की कोशिश करती है ताकि अवाम के जहनों में वो बात डाल सके जिसके लेकर वो मुतनफ़र हो और पार्टी का वोट उसकी बजाय मेरे पलड़े में आ जाए। तो ये सब पार्टियां करती हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये पार्टियां और इनके नुमाइंदे सब जानते हुए भी क्यों एक पार्टी की हमायत में पड़े रहते हैं कि हाँ फैसला तो होना चाहिए, अगर उनकी पार्टी सही जगह पर जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है तो वो भी सही डायरेक्शन में रहे, इतना तो जमीर होता है ना इंसान का कि सच और झूठ का फैसला कर सके। तो लेकिन यहाँ पे होता है जी कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये बंदा चला गया, अब तो इसकी बस गर्दन उतार दो, या ये तो फिर था ही फौज का बंदा। अब देखें इमरान खान साहब को यहाँ उतारा गया और उतारने के बाद जेल में डाला गया, पार्टी सब तितर बितर हो गई, आधे से ज्यादा पार्टी इस्तीफे देकर भाग गई, निकल गई, डर गए बुजदिल, और एक बंदा जो कि पार्टी को पीछे से इमरान खान की पार्टी को संभालता है और वो पॉपुलर भी होता है, उसकी अपनी जो लैंग्वेज है या कुछ भी कह लें, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा करप्ट निकला है, जो दुबई लीक्स निकली उसमें भी उसके भी प्रॉपर्टीज जाहिर हुई हैं, लेकिन उसने पार्टी को तो संभाला, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अभी इसने बंदे ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बातें कर दी हैं तो ये भाई बंदा ठीक नहीं रहा, ये हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, तो उसको पार्टी से निकालने की बातें हो रही हैं, उसे पार्टी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा, या बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग फिर भी, लेकिन जब अपनी जात पे आती है तो इमरान खान को भी नंगा कर देगा, लेकिन जब तक अपनी जात पे नहीं आएगी तो वो सब कुछ अंधा बन के देखता रहेगा, और यही वो चीज होती है कि सच और झूठ का फैसला भी पार्टी पॉलिसी पर ही तय किया जाता है। अब राहुल गांधी इस जो बयान है जो उन्होंने दिया है अग्निवीर के हवाले से, इन बयान की जरूरत नहीं थी, फौज को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी सियासत में, और सियासत में जब से हम घसीट लेते हैं इन सब चीज़ों को तो फिर हम खुद ही अवाम की नज़रों में भी गिर जाते हैं। तो बहुत सारे और मुद्दे हैं जिन पे सियासत हो जानी चाहिए थी। फौज एक ऐसा इदारा होता है जो कि हमारे दबाव के लिए है और उस पर बात करना बड़ा सोच संभल कर करना पड़ता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो जिसके जो मुंह में आता है अब फौज के लिए बकना शुरू कर देता है, लेकिन एहतियात का दामन अपने हाथ से कभी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये फौज ही है जो हमारा दिफा करती है, और ये फौज ही है जो हमारे लिए सरहदों की हिफाजत करती है, और ये फौज ही है
हम घरों में सुकून से सोते हैं और वो सरहदों पर हमारे लिए जाग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी, किसी भी मुल्क की जो फौज है वो उस मुल्क का जो दिफा है, जो उस मुल्क को के बॉर्डर को सिक्योर करती है, उस मुल्क में जो अमन कायम रहता है वो उस फौज की वजह से ही होता है। वो सालमियत जो है वो कायम रहती है मुल्क की, वो जो अदारा होता है जिसको हम आर्मी बोलते हैं ये हमारी फौज ही है। फिर हम फौज पे जो सियासत करें तो ये जो है नहीं बनता कि आप सियासत जो है वो इन ऐसे अदारों को जो है वो सियासत में ना घसीटें। आपने सियासत करनी है मुद्दों पे सियासत करें, ये मुद्दे नहीं है जिन पे सियासत की जाए, ये हमारे अदारे हैं, वो अदारे हैं जिनको कोसों दूर जो है वो सियासत से रखना चाहिए। ये वो जवान है जो अपने घरों से, अपने घर बार को, अपनी फैमिलियों को छोड़ के जो है हमारी हिफाजत के लिए, हम अमन से, चैन से, सुकून की नींद अपने घर में सो सकें, ये बॉर्डरों पर जो है ये जागते हैं। इनके खिलाफ जो है या इनको लेके जो सियासत में इनको घसीटना, ये कोई सियासत नहीं है। आप मुद्दों की सियासत करें, आप परफॉर्मेंस की सियासत करें, आप मुद्दों पे बात करें, परफॉर्मेंस की बात करेंगे भाई उन्होंने ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, आप हमें मौका दें हम ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दिखाई हो तो आवाम आपके पीछे चले, लेकिन आप जो है वो ऐसे मुद्दों को लेके जो है वो ऐसे स्पीच करें या कंपेन करें इलेक्शन की, तो ये बनता नहीं है। बिल्कुल जी, देखिए कि हर एक का अपना अपना नजरिया है, तो चीजें यही है कि आप देखिए कि दुनिया की पांचवी बड़ी मुश्किल बन चुकी है, और फिर जब आप जो है दिफा के ऊपर आते हैं तो फौजियों को आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं, तो फिर वो फौजी जो है उनको पता ही है कि भाई हम चार साल बाद हमने जब वापस फारिग हो जाना है तो हम किसके लिए लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे हम, तो उसका क्या जज्बा होगा। तो ये सारी ये मुतनाज़ा पॉलिसियां बनाई ही क्यों गई, जब बनाई है तो उसके ऊपर लोगों ने भी एहतजाज किया है, तो जो अब इलेक्शन हो रहा है तो दूसरी पार्टियां उसके ऊपर फायदा उठाना चाह रही है, वो यही कर रही है भाई आपने ये मुतनाज़ा जो कानून है वो पास कर दिया है तो वो दूसरा कोई इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता, तो ये कौन सी, ये भी तो दो राय है ना। तो एक जो है ना वो कानून ही पास कर दे, पूरी की पूरी फौज को मुतनाज़ा कर दे, फौजियों को जो है ना वो चार साल के लिए वो आए तो वहां पे ट्रेनिंग करेंगे, अब वो इसी माइंड के सेट से चले जाए। अब जैसे कि मुसलमानों को कहा जाता है कि वो तो भारत के साथ मुखलिस ही नहीं है, अब अगर मुसलमान वहां पे चार साल के लिए जाते हैं और वहां पे जो है ना उनके जो राज है वहां पे वो निकालते हैं तो फिर जो क्या कह जाएगा, नहीं ये मुसलमान ही है इसलिए इसने किया है। तो चीजें यही है, ऐसे इदारों में ऐसे मुतनाज़ा वो वहां पे रहेगा, आर्मी की सीक्रेट सारी चीजों के रहेगा, तो और क्या राज मेरे भाई जो वहां पे रहता है वो सारा कुछ ही बन जाता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, तो उससे जो है ना आगे नुकसान ही होने वाला है। तो जब ऐसी मुतनाज़ा बातें हैं, एक मुतनाज़ा गवर्नमेंट है वो मुतनाज़ा कानून बार पास कर देती है और दूसरा उसके ऊपर बात भी करता है तो वो दुश्मन है, ये दोस्त है जो मुतनाज़ा कानून लेकर आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट कौन सी है जो कानून लेकर आ रही है, बीजेपी मुतनाज़ा गवर्नमेंट है जो भी लेकर आ रही है, जो भी इदारे को मुतनाज़ा बना रहा है ऐसी कानून जो है ना पास करके, तो वो जो है ना वो मुखलिस है मुल्क के साथ, लेकिन जो उसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई ये कानून बनाया गया है तो वो जो है ना वो मुल्क दुश्मन है और वो मुल्क टोटे कर देगा, ये समझ से बाहर आ रहे हैं। चीजें यही है, आप खुद ही फिर उसके ऊपर खदशे भी जाहिर कर रहे हो कि भाई वो चार साल के लिए वो वहां पे रहेगा, वो ट्रेनिंग लेगा, फिर अगर वो आतंकवादियों के हाथे चढ़ गया, वो टेररिस्ट के हाथे चढ़ गया तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। तो भाई इस बिल्कुल अगर वो नुकसान होगा तो इस चीज को वैसे कानून को वैसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो उनका कानून है वो जाने उनको बेहतरी होगी उनमें नजर आ रही होगी। उन्होंने ये कानून इसलिए बनाया है कि चार साल में जिस फौजी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो वापस नहीं आएगा, जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा, जो ड्यूटी अपनी अच्छी नहीं करेगा वो वापस आएगा, ऐसा कानून उन्होंने बनाया। ये अब दो एक, एक रहना है तीन वापस आने या दो रहने हैं दो वापस आने, ये तो कानून है। अब उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है या बुरी रहती है, तो चीजें यही है कि जब आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो, जब आपने उनकी ट्रेनिंग करनी है, शुरू से पूरी दुनिया में ऐसे चलता आ रहा है, अब ये ऐसे मुतनाज़ा कानून लाने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है ना बर्बाद हुए, बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया। अब उसके ऊपर देखिए, आपने वो कानून सही है, आपके मुल्क के लिए ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, लेकिन विपक्षी पार्टी है उसने तो इस मुद्दे को बात करनी करनी है, उन्हें उससे तो मुद्दा चाहिए बात करने के लिए। अगर वो बात कर रहा है तो वो उन्हीं लोगों की सोच के ऊपर बात कर रहा है जो इस चीज को सुनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया है। तो सियासतदान क्या होता है, वो कमजोरियां ढूंढता है कि यहां से ये जगह जो है ना कमजोर है, इस जगह पे जो है ना वार किया जाए तो इससे फायदा होगा, क्योंकि इससे जो है ना पहले भी लोगों ने एहतजाज किया। तो ये सियासत है,
तो सियासत हो रही है, तो अब इलेक्शन है, इलेक्शन के दौर में देखिए कैसे कैसे ये ब्लंडर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क जो है वो पहले होना चाहिए, सियासत जो है वो बाद में होनी चाहिए। अगर आप जीत जाओ तो मुल्क की खिदमत करो, और अगर आप नहीं जीत पाते तो आपको ऐसे हथकंडे, ओछे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए जिससे आपके मुल्क की जो इमेज है वो खराब हो, जिससे आपके इदारे जो है वो मुतनाज़े हों। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ओछे हथकंडे ये बनाने चाहिए, आप अपनी सियासत कीजिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। अल्लाह ही हाफिज है जी हमारे दिमाग का, हमारे सोच का और हमारे ज़हनियत का, क्योंकि हमने हर उस बात में से वो बात निकाल ली है कि जो दूसरे के दिमाग में जाकर लगे उसको चुभे और वो उसको बुरा समझे कि यार ये क्या बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि फौज है और फौज एक अदारा है, और फौज एक अजीम अदारा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे दुनिया में किसी के ऊपर ही बात कर लेना कि 70 सालों से फौज का ही अदारा था, ऐसा मुतनाज़ा कानून लाने की जरूरत ही क्या थी। भाई कानून लाए ही जाते हैं, उनकी कुछ बेहतरी कुछ जरूरत है उनको लाए जाते हैं, जिसकी वजह से तनाव पैदा होते हैं वो कानून वापस भी हो जाते हैं। भाई वहां ग्राउंड रियलिटी पे उसकी जरूरत हुई, चले जी वापस हो कानून या कानून लागू रहे या कुछ भी हो, ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसको और इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सियासत करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे मौजूद हैं, और वो कारकर्दगी, वो गुर्बत, वो लिटरेसी रेट, वो एजुकेशन, वो हेल्थ, वो हर एक चीज, सड़क सही तरह से नहीं बनाई, ये पुल ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप सियासत कर सकते हो, लेकिन ये सियासत करने वाली चीज नहीं है। चाहे आप कोई उसको कोई मुतनाज़ा समझे, चाहे इसको कोई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे, तो फिर जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है तो वही उसको ही फिर आवाम बेहतर जानती है, और उसको के साथ क्या सलूक करना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।